पश्चिमी बंगाल में निर्दोष हिंदुओं की हत्याओं के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई व बजरंग दल मंडी ने उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष माचली ठाकुर ने कहा कि 10 अक्टूबर 2019 को पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंधु प्रकाश पाल और उनकी गर्भवती पत्नी व 8 वर्षीय बेटे के जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई है, जिससे संपूर्ण राष्ट्र का हिंदू समाज आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल वहाँ के हिंदू समाज के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की अधिक संख्या के कारण उनके वोटों की लालची ममता सरकार ने भी केवल उनके असंवैधानिक दुष्कृतियों की अनदेखी कर रही है। बल्कि उनको हिंदू समाज पर और अधिक अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पूरे देश में प्रदर्शन करेगा और महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करता है कि पश्चिमी बंगाल सरकार को प्रकाशित कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और बंधु प्रकाश पाल परिवार हत्याकांड की CBI जांच करवा कर हत्यारों को मृत्यु दंड दिया जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में NRC लागू किए जाए तथा बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकता बिल में संशोधन कर बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को भारत में नागरिकता दी जाए व उनका संरक्षण कर सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष माचली ठाकुर ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में रहने वाले राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन सब पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश में पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना 3 साल में शुरू न होने के कारण वहाँ सड़क किनारे बसे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोक बॉडी समिति के राजेश पठानी व जिला परिषद उदय पठानी ने बताया कि 18 मार्च 2016 को तत्कालीन सांसद कांगड़ा चंबा शांता कुमार द्वारा अखबार में दिए वैन की मई में भू अधिग्रहण शुरू होगा। लोगों ने भरोसा करते हुए अपने आशियाने व कारोबार दूसरी जगह स्थापित करने शुरू कर दिए, जिसके लिए उन्होंने बैंक से ऋण उठा दिए, परंतु हद से ज्यादा परियोजना को शुरू होने में देरी के कारण लोगों की जमा पूंजी बैंकों में चली गई और बैंक द्वारा अपना संपूर्ण पैसा वापस मांगने पर लोगों की स्थिति नाजुक बन गई है और वे भी बैंकों द्वारा चेक लगाए जाने के कारण अपराधी बन गए हैं। जनवरी 2019 को फिर वर्तमान सांसद मंडी स्वरूप रामस्वरूप शर्मा द्वारा दिए गए अखबार में बयान की 31 जनवरी से पहले भू अधिग्रहण होगा की खबर आते ही बैंकों ने सारा पैसा मांगना शुरू कर दिया, जिससे कई लोगों को जमानत भी करवानी पड़ी है और कईयों को सजा तक हो चुकी है। लोग असमंजस की स्थिति में हैं और लगातार उनका परिवार मानसिक तनाव झेल रहा है, जिसके कारण 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और कई आत्महत्या करने के कगार तक पहुँच गए हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हिमाचल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शाहपुर जिला कांगड़ा में पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना के पैकेज बन कंडवाल से 32 मील सिवनी तक के 37 किलोमीटर भाग का विधिवत शिलान्यास किया गया और करीब 1500 करोड़ रुपए बजट भी दिया गया, परंतु आज तक 9 महीने बीतने पर भी 4 लेन परियोजना 1 इंच आगे तक सड़क नहीं बन पाई। बैंकों ने आगे से लोन देने बंद कर दिए हैं और पहले NHAI की NOC अनापति प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर दिया है। NHAI अनापति प्रमाण पत्र देने के लिए 2.5 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। हम किसानों को पटवारी अपनी जमीन का प्रतिमा काट कर नहीं देते हैं, क्योंकि राजस्व विभाग ने हमारी जमीन ने काट कर NHAI को दे दी है और हम उस पर कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं और न ही उसे बेच सकते हैं। भारत सरकार द्वारा अखबार में राजपत्र निकालने और लोगों से उनके बैंक खाते नंबर मांगने तक की प्रोसेस खत्म होने पर लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने 2017 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर 4 लेन पठानकोट मंडी परियोजना के उत्पीड़ित लोगों को फास्टर टू देने का वादा किया गया था, परंतु अब वह भी मुकर रहे हैं और सरकार आने वाले इस 4 लेन परियोजना को 6 महीने के भीतर शुरू करवाने का वादा बड़े बड़े नेताओं द्वारा बार बार मंचों से किया गया है, जिससे लोगों ने भारी बहुमत से BJP की सरकार बनाई, परंतु अब सभी अपनी बातों से मुकर रहे हैं, इसलिए लोगों ने अपनी सरकार के प्रति बहुत रोष है।
MRADAV स्कूल सोलन में दो दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में डीएवी स्कूल सोलन की प्रधानाचार्य मासूमा सिंगा ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसका उपस्थित दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। MRADAV स्कूल सोलन की प्रधानाचार्य मासूमा सिंगा ने बताया कि उनके स्कूल में डीएवी नेशनल टेबल टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए डीएवी स्कूलों के करीबन 260 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि छात्रों ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में डीएवी न्यू शिमला बिजी रही और रनर अप डीएवी स्कूल नाहन रहा। बैडमिंटन प्रतियोगिता में छात्राओं में डीएवी धर्मशाला अव्वल रहा और रनर अप MRADAV सोलन रहा। साथ छात्रों में MRADAV सोलन प्रथम और डीएवी मंडी रनर अप रहा। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।